जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के बारे में। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हम स्कूल लेवल से पढ़ के आ रहे हैं और एक सिंपल सा फॉर्मूला के जरिए सारे ही सम्स हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये टॉपिक आता है आपका अरिथमेटिक एंड लॉजिकल रीजनिंग वाले सेक्शन में। तो चलिए जल्दी से फॉर्मूला देखते हैं और सम्स को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं बता दूं कि अगर आपको मॉक टेस्ट देना है फॉर फ्री, तो नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां से आपको फॉर्म फिल करना है और आपको एक्सक्लूसिव इनवाइट लिंक आएगी जिसके थ्रू आप ऐप को इंस्टॉल करके फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ऑल्सो कंप्यूटर कोर्स की बात करें तो अगर आप वो कंप्यूटर कोर्स सीखना चाहते हैं, सारी चीजें कैनवा से लेके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सारी कुछ चीजें अगर आप सीखना चाहते हैं, तो 99 रुपीज में हम ये कोर्स अवेलेबल करा रहे हैं। उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बढ़ते हैं कोर्स की तरफ। तो ये है हमारा आज का हीरो फॉर्मूला जिसके थ्रू सारे के सारे सम्स हम सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और इसी के जरिए हम पूरा का पूरा जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने वाले हैं। यानी स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के रिलेटेड जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन आए, ये ही एक फॉर्मूला है। इसी से हम तोड़ मरोड़ करके यहाँ पे कर सकते हैं। तोड़ मरोड़ मतलब क्या? तो देखो, जैसे कि यहाँ पे दिया है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी सपोज मेरे को इसी से एक और फॉर्मूला बनाना, मैं क्या करूंगा, टाइम को यहां पर भेज दूंगा, तो ये बन जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समझे? और मेरे को अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो इस तरीके से आपको एक ही पर्टिकुलर फॉर्मूला से तीन फॉर्मूला डिराइव हो जाते हैं। चलो बढ़ते हैं सम की तरफ, देखते हैं क्या है। अ कार ट्रेवल्स 150 किलोमीटर्स। कितना किलोमीटर? तो 150 किलोमीटर इन 3 आवर्स। 150 किलोमीटर मेरा क्या होने वाला है? होने वाला है डिस्टेंस। 3 आवर हो जाएगा मेरा टाइम। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? ओके, फाइंड करने बोला है स्पीड। एवरेज एवरेज वर्ड को ध्यान नहीं देने का, बोला है स्पीड, स्पीड ढूंढना है अपने को। फटाफट से कर लेते हैं कैलकुलेट। मेरे पास डिस्टेंस गिवन है, मेरे पास 150 किलोमीटर्स डिस्टेंस हो गया, 150 किलोमीटर टाइम है 3 आवर्स। तो अपने को चेक करना है कि स्पीड क्या होगा। स्पीड इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला क्या है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही है मेरा फॉर्मूला। यहां पे मैं क्या करूंगा, मेरा डिस्टेंस कितना है? 150 किलोमीटर और मेरा टाइम कितना है? 3 आवर्स। रिड्यूस करूंगा, 3 कितने जा 15, तो 3 5 जा 15, 50 किलोमीटर पर आर की स्पीड रहने वाली है। तो माय राइट आंसर इज 50 किलोमीटर पर आर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लिस्ट कवर्स अ डिस्टेंस। चलो अभी इस बार ये मैं यहाँ बाजू में ही कर दूंगा तो आपको एक आइडिया रहेगा। साइक्लिस्ट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 240 मीटर्स इन 2 मिनट्स, व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर? यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो अपने को दिया है 240 मीटर्स, मेरे को इसको कन्वर्ट करना है इनटू किलोमीटर्स। तो 1 किलोमीटर कितना मीटर होता है? तो होता है 1000 मीटर्स। तो इसको जब अपन कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 240 अपॉन 1000 किलोमीटर। 1010 कट, तो ये कितना बन जाएगा? 0.24 किलोमीटर। ठीक है, ये मेरे को किलोमीटर में मिल गया। अब मुझे चाहिए मिनट्स वाला चीज आर्स में। ठीक है, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। तो मैं ये 2 मिनट को कन्वर्ट करूंगा, ठीक है, 2 मिनट को कन्वर्ट करूंगा आर्स में। तो किस तरीके से कन्वर्ट करूंगा? 2 अपॉन 60
आर रिड्यूस होगा टू वन जा टू थ्री जा, ये बन जाएगा 1/30 आर्स। तो मेरे को ये भी मिल गया। अब मेरे पास फॉर्मूला है स्पीड का, क्या है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या है मेरा डिस्टेंस? मेरा डिस्टेंस है 0.24 किलोमीटर, मेरा टाइम है 1/30 आवर्स। अब इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो मेरा हो जाएगा ये 0.24 × 30। इसका जब अपन कैलकुलेशन करेंगे 0.24, तो ये कहीं ना कहीं अपने को आंसर देगा, एज जल्दी से कर लेता हूं मैं, 7.2, 7.2 किलोमीटर पर आर। ये होने वाला है मेरा फाइनल आंसर। अब भी अगर कैलकुलेटर वगैरह लेके बैठे हैं चेक कर लीजिए, 0.24 × 30, 7.2। सिंपल है, थोड़ा इसमें कैलकुलेशन का दिक्कत आया रहेगा, पॉज करके वापस देखने का, आराम से समझ जाएगा, बहुत सिंपल तरीके से यहां पे मैंने बता दिया है। नेक्स्ट पे जाते हैं। ट्रेन ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर आर फॉर 2 आवर्स। ठीक है, 60 किलोमीटर पर आर की स्पीड से ट्रेन ट्रेवल कर रही है फॉर हाउ मेनी? फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए। ठीक है, और 90 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन ट्रेवल कर रही है फॉर कितना घंटे? 1 आवर। मुझे चेक करना है कि टोटल कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। तो ट्रेन की स्पीड और कितने घंटे वो उस स्पीड से चली है, वो उससे अपने को मालूम पड़ जाएगा। यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आर की स्पीड कितने घंटे? 2 घंटे। तो उस हिसाब से कितना हो जाएगा? 60 × 2, 120 किलोमीटर तो इधर ही हो गए। अब 90 किलोमीटर के हिसाब से कितना घंटा चली है? 1 घंटा। तो हम जोड़ लेंगे 90 किलोमीटर और टोटल करते हैं, कितना हो गया? ये 0 हो गया, ये हो जाएगा 11। चलो क्या था वो ऐड करते हैं। ये हो गया 0, यहाँ पे हो जाएगा 11, 210 आपका हो जाने वाला है आंसर। 210 किलोमीटर आपका फाइनल आंसर होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं। रनर कंप्लीट्स 400 मीटर लैप इन 80 सेकेंड्स, व्हाट इज द रनर स्पीड? और मीटर पर सेकंड में बोला है। सबसे बेस्ट चीज, पिछले बार अपन ने कन्वर्ट किया था इसको किलोमीटर में, कन्वर्ट किया था इसको, कन्वर्ट किया था आर्स में, कुछ नहीं कर रहा, बिकॉज यहाँ पे मीटर और सेकंड में ही बोला है। मेरा भी गिवन चीज मीटर और सेकंड में ही है। सिंपल चीज करूंगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है मेरा? डिस्टेंस है 400, 400। टाइम क्या है? टाइम है 80। 0 0 कट, 8 कितने जा? 8 5 जा, 5 मीटर पर सेकेंड इज माई राइट आंसर। समझा? बहुत सिंपल है, समझ रहा है। नेक्स्ट, टू सिटीज आर 350 किलोमीटर अपार्ट। ठीक है, दो सिटी है, नाम दे रहे थे अपन, सिटी ए सिटी बी, और ये दो सिटी के बीच में कितना डिस्टेंस है? डिस्टेंस है 350 किलोमीटर का। अ कार टेक्स 5 आवर्स टू ट्रेवल फ्रॉम वन सिटी टू अनदर। अब एक गाड़ी को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगने वाला है? टाइम लगने वाला है एज 5 आवर्स, 350 किलोमीटर, 5 घंटे। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ कार? मेरे को टाइम मालूम है, मेरे को डिस्टेंस मालूम है, स्पीड मिल जाएगा, मिल जाएगा। कर लेते हैं फटाफट, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 350। टाइम कितना है? 5। 5 कितने जा? 7 जा, 70 है क्या? है, ये रहा मेरा फाइनल आंसर, 70 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट, बस कवर्स डिस्टेंस ऑफ 540 किलोमीटर इन 6 आवर्स, व्हाट मस्ट बी द स्पीड ऑफ द बस टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 4 आवर्स? एक बस है, ठीक है, उसको डिस्टेंस कितना कवर करना है? 540, तो उसने कितने में किया? 6 घंटे में किया।
अब क्या स्पीड होनी चाहिए जिससे 4 घंटे में आ जाए, मेरे को क्या गिवन है ना वो लिखने का, अच्छे से समझ आएगा कि क्या क्या चीज मेरे पास है। मेरे को यहाँ पे पूछा है स्पीड, ठीक है, स्पीड ढूंढना है। स्पीड अगर ढूंढना है तो फॉर्मूला क्या है अपना, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या डिस्टेंस गिवन है? यस गिवन है। टाइम? यस गिवन है। पुट करो 540, 540 अपॉन, यहाँ पे टाइम कितना है 4, करेंगे डिवाइड 540 डिवाइड बाय 4, 135 है क्या? 135 है, तो भाई राइट आंसर मिल चुका है। नेक्स्ट, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान देने का। इधर थोड़ा क्वेश्चन है, यहाँ पे एक डिफिकल्टी लेवल दिया है, इससे मालूम पड़ रहा है कि ऐसे टाइप के समय तो कैसे करना है, थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाना है। एक बंदा है, चार वो वॉक कर रहा है और उसकी वॉकिंग स्पीड क्या है, 4 किलोमीटर पर आर, और फिर वो थोड़े टाइम बाद भाग रहा है और उसकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर आर। उसने टोटल 24 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है और इसके लिए उसे 4 घंटे का टाइम लगा है। अपने को यह फाइंड करना है कि ये पूरी चीजें जो तुमने बताई वो सब जाने दो, कितना टाइम उसने वॉक किया, मेरे को खाली उतना ही जानना है। टोटल 24 किलोमीटर जो उसने कंप्लीट करने में 4 घंटे लगाए, इसमें से कितना टाइम, कितने घंटे वो चला है और कितने घंटे वो दौड़ा है। अब दौड़ने वाली चीज अपने को फाइंड नहीं करनी, फाइंड करनी है कितना घंटा वो चला है। तो इसके लिए अपने को कुछ अजम्पशंस लेने पड़ेंगे यहां पर। तो यहां पर देखो, यहां पे मैं टाइम को डिवाइड करूंगा, ठीक है? चलो देखो, टाइम को अपने को यहाँ पे मेन चीज है, टाइम देखो किस तरीके से यहाँ पे पूरी चीजें होने वाली। तो मैं यहाँ पे टाइम टाइम को डिफाइन करूंगा। ओके एक सेकेंड, टाइम को डिफाइन कर दूंगा। मेरा टाइम जो है यहाँ पे दो टाइप का टाइम है, मेरा टाइम फॉर वॉकिंग एंड टाइम फॉर रनिंग। तो टाइम फॉर वॉकिंग को मैं TW बोलूंगा और टाइम फॉर रनिंग को मैं बोलूंगा TR। दो टाइम है मेरे पास, और ये वॉकिंग प्लस रनिंग होने में कितना टाइम लग रहा है, 4 घंटे लग रहे हैं। 4 घंटे में वो वॉक भी कर रहा है और रन भी कर रहा है, ये अपने क्वेश्चन में गिवन है। नेक्स्ट चीज जो जाननी है, और इसको अपन इक्वेशन 1 बना देते हैं, ये अपने काम आने वाला है। कलर चेंज करते हैं, बढ़ते हैं आगे। अब अपने को क्या दिया है वो समझो, डिस्टेंस कितना कवर हुआ है दौड़ते वक्त। तो डिस्टेंस का अपने पास फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, है ना? तो यहां पर अपने को वही चीजें पहले फाइंड आउट करनी है। द डिस्टेंस कवर्ड वाइल वॉकिंग इज द वॉकिंग स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम स्पेंड फॉर वॉकिंग। तो डिस्टेंस कैसे मिलेगा, डिस्टेंस फॉर वॉकिंग, DW डिस्टेंस फॉर वॉकिंग, कितना घंटा लगा टाइम और कितना स्पेंड किया, समझा? ये हो गया मेरा पर्टिकुलर यहाँ पे डिस्टेंस फॉर वॉकिंग। अब डिस्टेंस कवर्ड वाइल रनिंग, दौड़ते वक्त कितना टाइम लगा, DR 8 × TR। ये सब कहां से मिला, स्पीड दिया है ना अपने को 4 किलोमीटर पर आर, अगर वॉक कर रहा है तो 8 किलोमीटर पर आर, अगर दौड़ रहा है तो, बस वहीं से ये फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ये वाला फॉर्मूले से लाया अपन। ओके, तो ये दोनों ही चीज अपने को ये फॉर्मूले से मिली है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को डिस्टेंस फाइंड करना है, तो मेरे को दो डिस्टेंस को ऐड करना पड़ेगा, वॉकिंग और रनिंग वाला। वॉकिंग का क्या है, तो पहले तो टोटल डिस्टेंस 24 किलोमीटर था, वॉकिंग का डिस्टेंस क्या मिला है मेरे को 4 × TW। ओके, रनिंग का 8 × TR। अब देखो, अपन ने एक इक्वेशन 1 मार्क किया है, दिख रहा है क्या? यहां से अपन कुछ डिराइव करते हैं, ठीक है? इक्वेशन 1 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, इसी को अपन किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको अपन ऐसा भी तो लिख सकते हैं, PR इज इक्वल्स टू 4
माइनस TW। ऐसा लिख सकते हैं ना? क्यों सर, ऐसा क्यों लिखा? टी डब्ल्यू को भी तो रख सकते थे इक्वल्स टू के पास, टी आर उधर रख देते तो भी तो चलता। बट अपने को क्या फाइंड करना है? वॉकिंग का डिस्टेंस क्वेश्चन में बोला है, तो अपने को किसी भी तरीके से टी आर से छुटकारा पाना है। तो टी आर की जगह अब क्या लिखेंगे? फोर माइनस टी डब्ल्यू। तो पुट कर देते हैं वैल्यूज यहाँ पे। ओके, ये हो गया 24, यहाँ पे आ जाएगा 4 टी डब्ल्यू प्लस 8, टी आर की जगह लिखेंगे 4 माइनस टी डब्ल्यू। मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऐसे ही रखते हैं। यहाँ पे 8 फोर कितना हो जाएगा? 32, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 8 टी डब्ल्यू। अब 4 माइनस 8 टी डब्ल्यू कितना हो जाएगा? ये 24 ऐसे ही रहा, 4 माइनस 8 -4 हो जाएगा, -4 टी डब्ल्यू प्लस 32। अब ये टी डब्ल्यू को पॉजिटिव बनाना है, इसके लिए इसको इस साइड भेज देंगे, तो ये बन जाएगा 4 TW पॉजिटिव, और ये 24 जो है इसको इस साइड ला देंगे तो माइनस बन जाएगा। यहाँ पे आंसर आता है 4 TW इज इक्वल्स टू 32 -24 कितना आ गया? 8, और टी डब्ल्यू का वैल्यू अपने को मिलता है एज 8/4 विच इज नथिंग बट 2 आवर्स। तो 2 आवर्स इज आवर राइट आंसर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझा हो, इससे इजी तरीका मुझे दिखाया नहीं कुछ एक्सप्लेन करने के लिए। इफ इन केस आपको कुछ डाउट आ रहा है, पीछे जाओ एक बार स्लो मोशन में देखो वीडियो को, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को, एंड फिर भी अगर डाउट आता है, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा हमेशा ओपन है, आस्क योर डाउट्स, वहां पे मैं रिजॉल्व करूंगा। ठीक है, क्या है? जॉगर रन फॉर 30 मिनट एट स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। टेन किलोमीटर पर आवर का बोला गया है, और 45 मिनट्स में वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। हिसाब किताब देख लेते हैं फटाफट क्या हो रहा है। 30 मिनट के जब अपन बात करते हैं, 1 घंटे में वो कितना कर रहा है? 1 घंटे में 10 किलोमीटर पर आवर, और 30 मिनट का अगर हिसाब लगाए तो क्या हो जाएगा? आधा, सीधी सी बात है, 5 किलोमीटर। ठीक है, इसको याद करने का और साइड पे रख देने का। अब दूसरा हिसाब 6 किलोमीटर वाला, 6 किलोमीटर में क्या है? 1 घंटे में कितना? तो 6 किलोमीटर। 30 मिनट में तो सर इजी 3 किलोमीटर। ठीक है, 3 किलोमीटर। 15 मिनट में कितना हो जाएगा? 15 मिनट में ये होगा सर 1.5 किलोमीटर, 3 का आधा। परफेक्ट। अब देखो यहाँ पे 45 मिनट्स बोला है, तो 45 मिनट्स कैसे बनेगा? 30 प्लस 15, यानी कि यहां से टोटल निकाले तो कितना हो रहा है? 3 प्लस 1.5, यानी कि 4.5 किलोमीटर्स यहां से होगा। 3 किलोमीटर पहले से दिया था, ये दोनों को ही ऐड करें तो कितना हो जाएगा? 5 प्लस 4.5 अपने को देने वाला है एज 9.5। यहाँ पे दिख रहा है 9.5, दिस इज अवर राइट आंसर। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस खत्म हो रहे हैं, तो मेक श्योर आप वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, ऐसे क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है? वीडियो को कर देना है लाइक, और चैनल को करना है सब्सक्राइब अगर आप नए हो, पहली बार आए हो, बिकॉज हम हर टॉपिक के वीडियोस ला रहे हैं फॉर सीईटी, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम आपकी मदद कर सके, जितना हो सके उतना हम आपकी हेल्प करें। कहीं ना कहीं इसी से ही आपको टॉपिक्स क्लियर हो गए। हमने सब टॉपिक्स क्लियर किए हैं। बात करें जीके की, जीके हम रेगुलर ला रहे हैं, अलग से बीच बीच में भी वीडियो ला रहे हैं, पहले हम ऑलरेडी टॉपिक वाइज सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। फिर बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में भी अभी ज्यादा टॉपिक्स नहीं बाकी है, ऑलमोस्ट डन होने आया है। मैथ्स के अंदर बात करें, मैथ्स के अंदर 3 या 4 टॉपिक बाकी है, और मैथ्स भी अपना कंप्लीट हो जाएगा। और कंप्यूटर बेसिक्स वो हम सबसे पहले कंप्लीट कर चुके हैं, कि मैंने आपको बोला था टाइम लगने वाला है 2 ही चीज में, यही 2 चीज में, और वो भी हम कहीं ना कहीं कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी है कंप्यूटर बेसिक्स, और कंप्यूटर बेसिक्स की तो सबसे पहले कर दिया है, जिसको आप बहुत अच्छा रिस्पांस भी दे रहे हैं। एंड मेरे हिसाब से सब यहाँ से जर्नी स्टार्ट करें, सबसे पहले ही ये देख रहे हैं,
एंड देन जीके वाला वीडियो, और फिर कहीं ना कहीं यहाँ जंप मार रहे हैं। चलेगा, ये स्ट्रेटेजी ही आपने यूज करनी है, बिकॉज कहीं ना कहीं वी आर एमिंग फॉर मैक्सिमम मार्क्स। ये मैक्सिमम मार्क्स कैसे आने वाला है? मैक्सिमम मार्क्स आएगा जिससे टाइम मैनेजमेंट बहुत बढ़िया होना चाहिए। हो सकता है आपको सम्स आए, आपको चीजें आए, लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं है, तो आप पेपर छोड़ दोगे और अपने मार्क्स स्कोर करने का चांस भी छोड़ दोगे। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज द सेकेंड वन। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लाने का मेरा जिम्मेदारी है, मैं ला रहा हूं आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अलग अलग वीडियोस के थ्रू। टाइम मैनेजमेंट आपकी जवाबदारी है, आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करना है और टाइम मैनेजमेंट में अपने आप को मास्टर बनाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए की प्रैक्टिसिंग, ज्वाइन द टेलीग्राम लिंक सो दैट यू डोंट मिस एनी नोट्स, एनी अपडेट्स एंड एनी इंपॉर्टेंट लिंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।